सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। 2018 में यदि किसी फिल्म के क्लैश को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो थी ऐश्वर्या राय बच्चन की फन्ने खान और सलमान खान की रेस 3। दोनों फिल्में ईद पर एक दूसरे को बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार टक्कर देने वाली थी। ऐश्वर्या राय राजकुमार और अनिल कपूर स्टारर फिल्म फन्ने खान अब 13 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फिल्म के निर्माताओं ने नई रिलीज डेट की घोषणा की है। फन्ने खान को अतुल मांजरेकर डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में ऐश सिंगर के किरदार में नजर आने वाली है, जो अपने से छोटे उम्र के लड़के के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। फिल्म से ऐश का लुक भी वायरल हुआ है, जहां वो काफी ग्लैमरस नजर आ रही हैं। सलमान खान खुद भी ये क्लैश बिल्कुल नहीं चाहते थे। सलमान की चिंता ये नहीं थी कि उनके सामने कोई फिल्म खड़ी है, उन्हें परेशानी इस बात से थी कि वो फिल्म ऐश्वर्या राय की है। टेलीविजन और फिल्मी दुनिया की और भी चटपटी गॉसिप्स के लिए जुड़े रहिए TNN एंटरटेनमेंट के साथ।